अखाड़ा में आज सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की, जिससे पूरे देश की नजर थी। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उस ज्ञानवापी परिसर में आज जिस शिवलिंग जो शिवलिंग मिला है, उस जगह को पूरी तरह से सील करने के आदेश दिए गए हैं। इस जगह पर पूरी सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी गई है। इसके साथ ही वाराणसी डीएम को आदेश दिया गया है कि किसी भी आदमी का प्रवेश वहां वर्जित किया जाए। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि ज्ञानवापी के कुएं में शिवलिंग मिले हैं। मेरी खुद वहां पे याचिकाकर्ता रेखा पाठक से बात हुई, जिनका ये मानना है कि उनको आज बाबा मिल गए हैं, आज वो बम हो गए हैं। दावा ये किया गया है कि स्वास्तिक और ओम के निशान भी मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये वो ऑर्डर की कॉपी है जो मेरे पास यहाँ हाथ में है, जहाँ याचिकाकर्ता साफ ये कह रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर दौरान कमीशन शिवलिंग पाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, यही याचिका थी। इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें, मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। ये आदेश था, मेरे द्वारा संपूर्ण पत्रावली परिशीलन किया गया है। ये है याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन, जिन्होंने ये याचिका दाखिल की। लेकिन इस पर जो आदेश आया है, इस आदेश में सबसे बड़ी बात कि प्रार्थना पत्र 78 ग को स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। यही वो ऑर्डर है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। उसके आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि उपरोक्त सील किए गए स्थान के बाबत स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या क्या किया गया है, इसके पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की होगी। तो सिर्फ वहां जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी ही, व्यक्तिगत जिम्मेदारी ही नहीं, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस तक को इसका सुपरविजन की जिम्मेदारी है और लखनऊ पुलिस, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्य हेडक्वार्टर है, उसको भी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इसको सुपरवाइज करना होगा। वाद लिपिक को आदेश किया जाता है कि वह अविलंब इस आदेश की प्रति संबंधित अधिकारीगण को नियमानुसार प्रोक्षित किया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली पूर्व से नियत तिथि दिनांक 17/5/2022 को वास्ते कमीशन रिपोर्ट पर सुनवाई हेतु पेश हो, यानी कि कल वाराणसी कोर्ट में तो सुनवाई होगी, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि बाबा मिल गए हैं, जिस तरफ नंदी जी मुंह देखकर कर रहे थे उसी तरफ वहां पर शिवलिंग मिला है और शिवलिंग उस जगह मिला है जहां पर एक छोटा सा आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया गया, जहां पर वजू किया जाता था, अब उसको पूरी तरह से रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, यही आदेश है। सबीना इस वक्त हमारे साथ हैं। सबीना, हिंदू पक्ष की तरफ और खासकर जो वादीगण हैं वो ज़्यादा कहना नहीं चाहते। मैंने हरिशंकर जैन सी से भी थोड़ी देर पहले CNN न्यूज़ 18 पे बात की तो उन्होंने कहा शिवलिंग मिला है, नंदी जी उसी तरफ मुँह कर रहे हैं, उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट के अधीन है। लेकिन याचिकाकर्ताओं में से एक है रेखा पाठक जी, वो कहती है आज तो हम झूम रहे हैं क्योंकि बाबा मिल गए, आज हमारे लिए बम का दिन है। कई लोग हिंदू पक्ष के यही मानते थे कि असली ज्योतिर्लिंग, जो 3,000-4,000 साल पुराना ज्योतिर्लिंग है, वो वहां पर था उस परिसर के अंदर, और इस सर्वे में जो शिवलिंग मिला है, सबका मानना है कि ये वही ज्योतिर्लिंग है, पर इस आदेश की वजह से अब वो जगह सुरक्षित हो गई, वो जगह सील हो गई। लेकिन कल वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है।
अनंत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों तरफ से जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर तो निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी क्योंकि हम वाराणसी की हर गली से अमूमन होकर गुजरे, जब सर्वे भी चल रहा था, जो भक्त हैं, जो आस्था से लबरेज हैं, जो हिंदू पक्ष है, जिनका मानना है कि हजारों साल पुरानी काशी की व्यवस्था रही है, मुगल शासकों ने जिस तरह से इसे ध्वस्त करने की कोशिश की है लेकिन उसमें जिस तरह से वो नाकाम रहे हैं, उन्हें भरोसा है कि जो भी सर्वे यहाँ पर हुआ है उससे वो बाहरी तौर पर भी संतुष्ट है। सर्वे अंदर चल रहा था 4 घंटे का, लेकिन वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि हमने यहां बचपन बताया है, हमने देखा है, हमने उस परिसर को देखा है, उस तालाब को देखा है, उस तालाब में मौजूद उन मछलियों को देखा है जिन्हें हम अपने हाथों से खाना खिलाते थे, नियमित तौर पर जहां पूजा अर्चना करते थे, लेकिन जिस तरह से कानून आता है और उसके बाद पाबंदियां लगा दी जाती है, अब हमें हमारा हक चाहिए। सर्वे का इंतजार है क्योंकि सर्वे के जरिए जो रिपोर्ट दाखिल की जाएगी उसको लेकर प्रक्रिया जो आगे बढ़ेगी, अब उस पर निगाहें सभी की टिकी हुई है। और जिस मस्जिद के हिस्से में शिवलिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, उसे पूरी तरह से घेर लिया गया है ताकि 3 दिन का जो ये सर्वे यहाँ पर हुआ है, 14, 15 और 16 का, उस सर्वे में ये सामने आया कि बहुत सारे ऐसे तथ्य यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं जो वाकई इससे जुड़े हुए हैं और हिंदू पक्ष के दावे को पुख्ता करते हैं। ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष इससे दूर दूर से सहमति नहीं रखता, वो आपत्ति दाखिल करने का जिक्र कर रहा है और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई कल इस पूरे मामले को लेकर होने वाली है। इतना जरूर है संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है, कदम दर कदम आगे बढ़ता नजर आएगा, बहुत जल्द इसमें तस्वीर इतनी जल्द तो साफ होती नजर नहीं आती। जी देखिए, बात आस्था की है, जो अस्थाई है, जो बाबा भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं, जो जानते हैं कि और जो मानते हैं कि ज्योतिर्लिंग कहाँ है और उसको क्यों ढका गया और औरंगजेब ने 1669 में क्या किया, ये सब पूरी तरह से लिखा हुआ है। लेकिन बात आस्था के साथ साथ कोर्ट की प्रक्रिया की भी है। कोर्ट का ये आदेश एक सिविल सूट के तहत है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सिविल सूट कहां से शुरू हुआ? सिविल सूट इस बात से शुरू हुआ कि मां श्रृंगार गौरी की आराधना होती थी। कई लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला भी देते हैं, लेकिन उस एक्ट में क्या कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो जहां था वो वहीं पर रहेगा। ये बाबरी के बाद, बाबरी के ढह जाने के बाद, उसको गिराने के बाद जब संसद ने इस एक्ट को पारित किया, उसके बाद उसकी 8 सेक्शंस हैं जिसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि किसी एक जगह का सिविल सूट के तहत वीडियोग्राफी या सर्वे नहीं कराया जा सकता। अब 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में ये अर्जी दी। अर्जी क्या दी कि हम तो 15 अगस्त 1947 क्या 1992 तक हम वहां पर आराधना करते थे। वहां के न्यास जी जो थे, व्यास जी, वो कहते हैं कि तहखाने में रोज पूजा होती थी, तो वो पूजा क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो पूजा होती थी, भक्त वहां जाते थे, दर्शन करते थे, रोज मां श्रृंगार गौरी की आराधना करते थे। अब क्या हुआ कि कोर्ट ने कहा कि अब आप सर्वे कराइए कि वहां क्या है क्या नहीं है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी अंदर जो जैसा था वो वैसा ही होना चाहिए, उसकी कायाकल्प, उसको बदलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अजय मिश्रा एडवोकेट कमिश्नर बोल रहे हैं। सदस्य होने के नाते क्या आपका परिवार भी कभी डर रहा था इस बात को लेकर? ये परिवार के बारे तो मैं नहीं जानता। साहब ने कहा परिवार डर रहा था, ठीक है, देखिए जज साहब जो कहे वो उनका परिवार होगा, परिवार सबका यही चाहता है कि हमारे यहाँ लोग बोल न ले खतरा लोग। और तो आपके परिवार ने कहा कि डर रहा है, ये प्रतिक्रिया दी तो कोई कह ही सकता है कि जिस तरीके जज साहब ने अपने ऑर्डर में भी लिखी है ऐसा कुछ लोग ने, भाई डरता सभी है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रही, सुरक्षा हमको मिली हुई है, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक बार परिवार कभी कभी डर गया कि पापा, मैं बच्चों ने पूछ लिया पापा क्यों आपको दिखाया, पापा आपका नाम बार बार ले रहे हैं, पापा कोई बात तो नहीं है, पापा आप कहीं जाना, मतलब कुछ ऐसी कभी कोई घबरा? देखिए डर सबको रहता है, लेकिन अब चाहे जो भी कहिए, न्यायालय प्रक्रिया निपटाना था, न्यायालय का आदेश था, मैंने उसका अनुपालन किया जी। तो ये मान लिया जाए कि सर्वे की रिपोर्ट क्या कल आप लोग अदालत में बनाएंगे, तो कल कितने परसेंट चांस है कि कल आप लोग सर्वे की रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं अदालत में? देखिए अभी हम लोग बैठ के उसी पे विचार कर रहे थे, तब तक आप आ गए जो जी जी। हम लोग पूरी कोशिश किया जा रहा है कि न्यायालय का अक्षरशः पालन हो और 17 को हम लोग रिपोर्ट दाखिल करें, यानी कल रिपोर्ट दाखिल। अगर कल मान लीजिए रिपोर्ट नहीं किसी वजह से दाखिल हो पाती है, नहीं बन पाती है, तो क्या समय मांगा जाएगा अदालत से? लाजमी है, रिपोर्ट अगर नहीं बन पाएगी तो समय लेना ही पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग अर्जी डालेंगे जी। तो एक बात और कि जितने दिन का ये सर्वे हुआ, तो जितना वादी पक्ष ने कहा था, जितने वादी पक्ष ने दावे किए थे, उन सारी जगहों के सर्वे हो गया? वादी और प्रतिवादी दोनों के सहयोग से
जितना भी क्षेत्र था सबका सर्वे किया गया, अंदर बाहर ऊपर गुम्बद सब कुछ सर्वे हो गया। जी जी सब जगह। बताया जा रहा है कि कुएं का भी सर्वे जो वो कह रहे थे, दावा कर रहे थे, उस कुएं का भी सर्वे हो गया सब कुछ, जो दोनों पक्षों के सहमति से जो मतलब बताया गया उसको इंगित कराया गया कमिश्नर महोदय को, वो कार्य किया गया। क्या किसी भी जो ताले की बात की आ रही थी, तो क्या ताला कोई तोड़ना पड़ा या तालों की सबकी चाबी अपने आप दे दी, स्वतः दे दी? नहीं ऐसा नहीं है, मुझने पक्ष ने वो पूर्णतः सहयोग किया है। ताला वही टूटा है जिसका उनके पास चाबी किसी कारण से मुड़ नहीं पाया, पुराना ताला हो गया, खुल नहीं रहा था। जी जी। उसको जो है प्रशासन द्वारा जो है उसको कितने ताले तोड़े गए, कितने खुले गए? हमारे हिसाब से शायद एक ही ताला ऐसा था जिसको हम लोग तोड़े गए, वो भी हम लोगों ने प्रशासन से तोड़वाया गया और दोनों पक्ष की उपस्थिति में। तो आपने सुना, आपने उस चेहरे को देखा, उस चेहरे को सुना जिस पर पूरी दुनिया जिसको देखना चाहती थी। और रही बात डर की, तो उन्होंने कहा डर सबको लगता है लेकिन न्यायालय के आदेश का पालन करना था, इसलिए तमाम इन भावनाओं से ऊपर उठते हुए न्यायालय का हमने पालन किया। अजय प्रताप सिंह जी भी हैं। अजय जी, आपको चेहरे के जो है मदद के लिए लगाया गया, आप लास्ट मूवमेंट पे आपकी एंट्री हुई है, उसके बाद तो फिर दो दिन तीन दिन शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे शुरू हो गया। कितना बड़ा आप इसको हिस्सेदार मानते हैं, इस बड़ी मतलब जिस पर देश की पूरी निगाहें लगी? आमतौर पर आप लोग कमीशनी कार्रवाई करते ही रहते हैं, लेकिन जब इतने बड़े मामले की कमीशनी कार्रवाई के लिए आप लोग कोर्ट कमिश्नर के तौर नियुक्त हो, तो कितना बड़ा दिन? ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर था, और लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा जो हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई थी उसको हम लोगों ने बखूबी जो है निभाया, और वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों ने सहयोग किया, और ख़ास करके जिला प्रशासन ने भी काफ़ी सहयोग किया जिससे ये शांतपूर्ण ढंग से सर्वे की कार्रवाई पूरी संपन्न हो सकी। अजय जी, ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर ये बात हुई थी कि अब वो जैसा कि वादी पक्ष कह रहा है कि उनके हिसाब से शिवलिंग मिला है वजू खाने में, और उन्होंने इसीलिए कोर्ट का एक आदेश की कॉपी भी सोशल मीडिया पर भी अधूरी सबके पास कि उसके इलाके को सील कर दिया गया है, वो सुनवाई के विष्णु जैन ने उसके लिए कोर्ट पे इसकी सूचना दी थी, तो क्या उस मामले को उस इलाके को सील कर दिया गया है? जब तक की सुनवाई चलेगी वो सील रहेगा इलाका? पूरे ज्ञानवापी परिसर की ज्ञानवापी परिसर पूरा CRPF के उसके अंडर में है, और ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस जो है सील नहीं किया गया है, या आज जो उसका हम लोगों ने पानी निकलवा करके देखा गया ऐसा कहीं कुछ नहीं कि उसको सील किया गया है। अब वादी पक्ष अगर कोर्ट गया है, कोर्ट माननीय न्यायालय जैसा आदेश करेगी, अगर उसके माननीय न्यायालय जैसा आदेश करेगी उसका प्रशासन जो है उसको पालन करना होगा। तो आपके आने के बाद प्रशासन ने सील कर दिया क्योंकि उन्होंने विष्णु जैन जी ने इसकी जानकारी दी, अदालत ने उसे अपने आदेश में लिखा है ये बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन ने कोई सील नहीं किया है, वो पहले से ही पूरी ज्ञानवापी बैरिकेडिंग जो है वो CRPF के अंडर में है, आज कोई प्रशासन ने कोई सील नहीं किया है। जी जी, उसके बाद हो सकता है जाने के बाद ऑर्डर प्रशासन को मिला? नहीं, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ही कुछ हो सकता है, प्रशासन कोई अपने मन से नहीं कर सकता। तो ये बताइए कि कितना करीबन अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो कितने क्षेत्रफल में सर्वे हुआ होगा? क्या नीचे तहखाने का सर्वे हो गया, छत का सर्वे हो गया, आंगन का सर्वे हो गया, वजू खाने का सर्वे हो गया, जो गुम्मत थे उसके सर्वे हो गए, क्या सारे सर्वे हो गए या कुछ बाकी? माननीय न्यायालय का जो आदेश था उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में पूरा सर्वे कार्रवाई जो है संपन्न हुई, नीचे भी जिसको तहखाना कहा जाता था उसका भी सर्वे हुआ, ऊपर का भी सर्वे हुआ, गुम्बद का भी सर्वे हुआ, सब चीज़ का पूरा सर्वे हो गया। जी, कुएं का भी जो कुआं तालाब बताया जा रहा था उसका भी सर्वे हो गया पानी निकाल के? जी, उसका भी सर्वे हो गया। पानी निकालने में करीब कितना देर लगी, कितनी वक्त लगा? करीब दो घंटा। तो ये बड़ी चुनौती मान रहे थे पानी निकलवाना और उसके बाद सर्वे करना? थोड़ा बहुत विपक्षी का मतलब लग रहा था असहयोग रवैया, लेकिन फिर बाद में सब लोग सहयोग किया विपक्षी ने। जी जी, पानी निकलवाने में थोड़ा सा जी थोड़ा सा सहयोग बाद में फिर निकल गया। हाँ, पानी निकल गया जी। उसके बाद फिर उसके वीडियोग्राफी हो गई? जी, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब हुआ, सब हो गया। हाँ। तो सर्वे की रिपोर्ट क्या लग रहा है, आप लोग क्या कल दाखिल कर देंगे? अगर नहीं दाखिल करते हैं तो किस तरीके से आप लोग क्या अप्लीकेशन देंगे कोर्ट में? सर्वे रिपोर्ट जहाँ तक हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि आज दिन में रात में बैठ कर सर्वे रिपोर्ट 17 तारीख तक वाराणसी कोर्ट में सबमिट करने की बात है। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात लिखी है, यहां लिखा है कि 16/5/2022 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर दौरान कमीशन पाया गया है, ये उसी कुएं के अंदर पाया गया है जिसको कि खाली करवाया गया, पानी निकलवा के फिर उसका सर्वे किया गया। इस पानी के अंदर क्या छुपा था, क्या ये शिवलिंग छुपा था, ये शिवलिंग की महत्ता क्या है, क्यों एक उम्मीद की लहर, एक खुशी की लहर दौड़ गई है हिंदू पक्ष में? यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। यतेंद्र, जिस साक्ष्य की बात हो रही है, जिस साक्ष्य को प्रोटेक्ट करने का आदेश अब वाराणसी कोर्ट ने दिया है,
इस शिवलिंग की महत्ता क्या है? क्या बात थी कि मुस्लिम पक्ष उस वजू खाने को, उस तालाब को, उस कुएं को खाली नहीं करवाना चाहता था, उससे पानी निकलवाना नहीं चाहता था? और उसके अंदर क्या दिखा? जो सर्वे कमिश्नर आपके साथ बैठे हैं उनको पूछिए कि उन्होंने क्या देखा वहां पर। बिल्कुल आनंद, आज बड़ी खबर यही है कि जो मस्जिद कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर शिवलिंग मिला है और माननीय कोर्ट ने उसको, उस जगह को जहां शिवलिंग मिला है उसे सील करने के आदेश दे दिए। लेकिन मेरे साथ ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनके निरीक्षण में, जिनके नेतृत्व में ये सर्वे हुआ है, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो बिल्कुल बीच में बैठे हैं, सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह जी हमारे साथ हैं जो मेरे बिल्कुल बाईं तरफ बैठे हुए हैं, और यादव जी हैं बार काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं बनारस के, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अजय मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा विवाद आपने देखा, बवाल हुआ, जो कुछ आप लोगों ने दलीलें जो पक्ष की तरफ से दी गई कितनी सही साबित हुई? देखिए, साबित क्या हुआ ये तो बाद में बता दिया जाएगा, रिपोर्ट में से कर दिया जाएगा, साबित कुछ नहीं बता सकते। हाँ, ये है कि दोनों पक्ष सहमति से बड़े अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण और सद्भाव से जो है पूरी कार्रवाई संपन्न हुई। आप कह रहे हैं दोनों पक्ष सहमत, पहले बार क्यों नहीं सहमत हुए जब केवल आप कोर्ट कमिश्नर बनाए गए थे, तो तब क्यों बवाल हुआ? पहले कुछ कंफ्यूजन लोगों को था, वो दूर कर दिया गया कि बस लोग शांति से हो गए। तो कंफ्यूजन क्या था, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं बता सकते। नहीं, कंफ्यूजन उनको ये था कि न्यायालय ने ये कहा था कि विवादित मस्जिद बैरिकेडिंग जो है उसमें आदेश जाने का नहीं है। अच्छा। तो उसको न्यायालय ने बाद में स्पष्ट कर दिया कि नहीं, जो है आप जाइए, उसको जो भी जो आ सकता हो उसको करिए, और उसको किसी भी तरह से पूर्ण कार्रवाई करिए आप जो है। चलिए, कोर्ट अजय सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, सहायक कोर्ट कमिश्नर। अजय जी, आज तो एक पक्ष दावा कर रहा है कि बाबा मिल गए। अब पक्ष जो दावा कर रहा है बाबा मिल गए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि सर्वे की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से संपन्न हुई, वादी पक्ष के और प्रतिवादी पक्ष के उपस्थिति में जिला प्रशासन के सहयोग से पूरी सर्वे कार्रवाई जो है, जो 3 दिन चली, बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुई। तो क्या जो कोर्ट का भी अब तो ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ तौर पर लिखा है कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सील कर दिया जाए, ये ऐसा अभी सुनने में मुझे आया, हमने अभी कोर्ट का आदेश देखा नहीं है, ये हमने सुना है, उड़ती खबर ये सुना है कि माननीय न्यायालय द्वारा जो है उस जगह को सील कर दिया गया है।